हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो का टाइटल है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम स्पेशली टू डायमेंशनल एरे के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम आपको तभी समझेगा जब आपको टू डायमेंशनल एरे जो है आता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में मुझे करना क्या है, ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का मेरा ये है कि सपोज मेरे पास दो मैट्रिसेस है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन करना है और इन दोनों की मैट्रिक्स के एडिशन आने के बाद में जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें मुझे करना है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये जो पोजीशन है, वन के एडिशन होना चाहिए थ्री के साथ में, टू के एडिशन होना चाहिए टू के साथ में, थ्री के एडिशन होना चाहिए फोर के साथ में। ठीक है, मतलब पोजिशन टू पोजिशन जो है एडिशन होना चाहिए और जो रिजल्ट भी स्टोर होगा वो उसी पोजिशन पे होगा। ठीक है ना, आइए इसे देखते हैं थोड़ा डिटेल में। अब मेमोरी के अंदर अगर जो स्टोर होने वाला है, ठीक है, तो ये ऐसे स्टोर होगा, जैसे कि ये हमारा ए मैट्रिसेस है, जैसे ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, और इन दोनों के एडिशन से जो रिजल्ट आने वाला है जिसके एडिशन हम सी मैट्रिक्स में स्टोर करने वाले हैं वो ये है। ठीक है, मतलब जीरो जीरो की जो एडिशन रहेगी, मतलब इस पोजिशन पे जो जीरो जीरो पोजिशन पे जो वन है, जीरो जीरो पोजिशन पे जो थ्री है, उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, जीरो जीरो पोजिशन पे होगा। ठीक है, ऐसे ही हमें इसे क्या करना है, इसकी एडिशन करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि सपोज मुझे क्या करना है कि जिसमें रिजल्ट स्टोर करना है उसका रो और कॉलम वही इक्वल होना चाहिए उसी वही दो मैट्रिक्स का, जैसे कि ए रो एंड कॉलम, बी रो एंड कॉलम। तो ये जो है रो, ये तीनों इसमें सेम रहेगा, कॉलम भी जो रहेगा वो तीनों इसमें सेम रहेगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें मैं, तो सी ऑफ जीरो जीरो पे कौन सा रिजल्ट आएगा, तो ए ऑफ जीरो जीरो प्लस बी ऑफ जीरो जीरो। सी ऑफ जीरो वन पे कौन सा आएगा, ए ऑफ जीरो वन प्लस बी ऑफ जीरो वन। सी ऑफ जीरो टू पे क्या रिजल्ट आएगा, ए ऑफ जीरो टू प्लस बी ऑफ जीरो टू। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, आइए इसे हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसे इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूजर से वैल्यूज जो है वो रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे कितने मैट्रिक्स की जरूरत है, जैसे कि वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर ए ऑफ थ्री। ठीक है, थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, और बी का रहेगा थ्री बाय थ्री। अच्छा, ए भी दोस्तों जो है कंपल्शन है कि आप के दोनों मैट्रिक्स के साइज जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी आपके एडिशन जो है वो परफॉर्म होगी। ठीक है, अच्छा मैं अभी टू बाय टू मैट्रिक्स का यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे दो लूप यूज करना होगा, और दो लूप यूज करने के लिए मुझे दो लूप वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं पहले एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, एंटर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं एंटर वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं स्लैश। ठीक है, तो ये चीजें जो है अभी हम इसको लूप में लिखना होगा। सो क्या करेंगे हम, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन थ्री, आई प्लस प्लस, इसके अंदर एक और लूप लिखेंगे हम कि फॉर जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन थ्री, जे प्लस प्लस, और इसके अंदर सिंपल हम लिखेंगे स्कैन एफ। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यूज रीड कर रहे थे इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं परसेंट डी, और कहाँ स्टोर होना चाहिए, एम परसेंट ए ऑफ आई ए ऑफ जे। ठीक है ना, मतलब आई जो रहेगा ये रो को इंडिकेट कर रहा है, और ये जे जो रहेगा ये कॉलम के लिए। ठीक है, वो हिसाब से यहाँ पे जो है हम स्टोर करेंगे। अभी ये तो हो गया, सपोज हम रीड कर रहे हैं मैट्रिक्स ए की वैल्यू, अब यही चीजें हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इंटर वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली एक चेंज करना है कि ए की जगह मुझे कर देना है बी, बाकी तो सारा चेंज रहेगा। तो दूसरा ये जो हम लिख रहे हैं दूसरा लो, दूसरी बार जो स्कैनर हम लिख रहे हैं वो बी मैट्रिक्स को रीड करने के लिए, अभी हमें क्या करना है एडिशन परफॉर्म करना है दोनों की। तो क्या करेंगे, फिर से एक बार दोनों लूप मुझे लिखना होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हम सी ऑफ आई और ये जो रहेगा जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई और ए ऑफ जे प्लस बी ऑफ आई बी ऑफ जे।
ठीक है, मतलब ये जो रहेगा आपका ये सेम रहना चाहिए ना, जो वैल्यूज यहाँ पे सेम रहेंगी वही वैल्यूज सभी जगह होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो है आउटपुट वो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा आउटपुट जो है वो मतलब सी ऑफ आई जी में स्टोर हो जाएगा। चलो अभी हम क्या करते हैं, आउटपुट को डिस्प्ले कर देते हैं। तो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए मैं अलग से और एक लूप ले लेता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ कि प्रिंट एफ स्लैश एन मैट्रिक्स मैट्रिक्स सी इज, ठीक है, और स्लैश इन कर देता हूँ। और फिर से वही हमारा जो है हमको लूप लिखना है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, परसेंट ई एक स्पेस दे देता हूँ और फिर यहाँ आएगा हमारा सी ऑफ आई जे। ठीक है, यहाँ जैसे कॉलम खत्म होता है यहाँ पे एक लूप में लिख देता हूँ, सॉरी एक प्रिंट एफ लिख देता हूँ स्लैश एन के लिए। आई से एक बार हम कंपाइल करके रन करके देखते हैं। ठीक है, वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ मैं, वन 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 वन। ठीक है, तो ये नाइन वैल्यूज मैंने एंटर कर दिए। अभी एंटर वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स भी, सो वन 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 वन। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज ट्रू। ये वन वन इसलिए लिया मैंने ताकि हमको आउटपुट समझने में थोड़ा आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो जो आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।